हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शुगर कैन पेस्ट। शुगर कैन पेस्ट के अंदर हमने सबसे जो फर्स्ट पेस्ट था उसके बारे में, उसकी पूरी लाइफ साइकिल और उसकी पूरी इंट्रोडक्शन हमने हमारा पार्ट टू आज इस वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट वन के अंदर हमने उसको डिस्कस किया था, ठीक है, जिसका नाम था पायरीला परपोसीला। अब दूसरा है एल्यूरोलोबस, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। एल्यूरोलोबस क्या है, ये भी एक लीफ शुगर कैन लीफ पेस्ट है, शुगर कैन के ऊपर ही रहता है। अब इसकी क्या क्या खास विशेषताएं, सबसे पहले इसकी अगर सिस्टेमेटिक पोजीशन को देखें, वैसे तो इसको वाइट फ्लाई बोला जाता है, अगर हम इसके सिस्टेमेटिक पोजीशंस को देखें, सिस्टेमेटिक पोजीशन के अंदर सबसे पहले इसकी क्लास में इंसेक्टा है, ऑर्डर इसका हेमिपेट्रा है, फैमिली एल्यूरो डिडेई है, और अगर जीनस की बात करें तो एल्यूरोलोबस है, और स्पीसीज की बात करें तो बैरोडेनिसिस, ये इसकी स्पीसीज आज है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया है, बट यूपी एमपी वेस्ट बंगाल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, और ओडिशा और बिहार के अंदर भी कुछ इसका थोड़ा बहुत पार्ट देखा जाता है। फूड प्लांट्स, मतलब इसके जो होस्ट प्लांट होंगे वो कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से प्लांट के ऊपर ये डिपेंड करता है। वैसे इसका जो मेन प्लांट है वो तो शुगर केन है, क्योंकि हम इसको शुगर केन वाइट फ्लाई बोल रहे हैं, मेन प्लांट में तो वही इंक्लूड होगा। बट अगर इसके अलावा भी ये किसी के ऊपर रह सकता है शुगर केन के अलावा, मेन होस्ट तो शुगर केन है, बट ऑल्सो फीड ऑन वीट बार्ले एंड अदर ग्रास प्लांट, कुछ ग्रास प्लांट के ऊपर भी ये रह सकता है। अगर हम इसकी जर्नल अपीरियंस की बात करें तो जर्नल अपीरियंस के अंदर देखो ये कैसा है, एडल्ट वाइट फ्लाई इज एन ट्रिस्टी इंसेक्ट, ट्रिस्टी मतलब बहुत ही छोटा, अबाउट 33 mm लॉन्ग, 33 mm का लॉन्ग होता है, विद एक्सपेंडेड विंग, इसके विंग खुले हुए होते हैं, एक्सपेंडेड फैले हुए, दीज आर स्मॉल फ्रेजाइल, पेल येलो, स्मॉल होता है, फ्रेजाइल होता है, पेल येलो मतलब थोड़ा सा येलोविश कलर का होता है, एंड हैव प्रोमिनेंट ब्लैक आइज, जो इसकी आंखें हैं वो कैसी मिलती हैं, ब्लैक कलर की मिलती हैं, बट पायरीला परपोसीला के केस में हमने कैसी पड़ी थी, रेड कलर की आंखें पड़ी थी। द फीमेल इंसेक्ट हैज लॉन्गर एंड हैवियर बॉडी, फीमेल इंसेक्ट की तो ऐसी ही बॉडी मिलती है, लॉन्गर और हैवियर होती है देन मेल, बट इन एवरेज लाइफ स्पान की बात करें तो लगभग ये सिर्फ 2 ही डेज का इसका लाइफ स्पान देखा जाता है, 2 दिन ही ये जीवित रहता है। हैबिट्स कहाँ कहाँ रहता है, इसकी कैसी हैबिट्स हैं, दीज आर वेरी एक्टिव एंड फ्रेजाइल इंसेक्ट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इसकी जनरल अपीरियंस के अंदर, बट जो निम्फ है वो बहुत ज़्यादा मेन कोज करता है डैमेज का, और डैमेज के साथ ही वो सकिंग ऑफ सेल सैप, मतलब सेल सैप को शक करेगा और उसी के साथ इसका डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे अभी, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जैसे कि इसके बारे में, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाता है बीएससी के अंदर, जो डिटेल से पूछने वाला पोर्शन रहता है फर्स्ट जो लाइफ साइकिल है हर एक इंसेक्ट की, वहां से आता है। इनके बारे में अगर कुछ मेनली पूछा जाता है तो इनकी सिस्टेमेटिक पोजीशंस पूछ ली जाती हैं, या फिर इनका डैमेज कोज है और कंट्रोल, ये चीज़ें पूछी जाती है, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पूछा जाता। फिर भी हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहले पायरीला परपोसीला का तो डिटेल में पूछा जाता है, पूरा का पूरा अगर आता है लाइफ साइकिल के ऊपर नोट लिखना आता है तो उसके बारे में तो पूरा डिटेल में पूछा जाएगा, बट इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर, जैसे कि सिस्टेमेटिक पोजीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, या फिर इसका कंट्रोल है या डैमेज कोज है, ये चीज़ें इसकी पूछी जा सकती हैं, बाकी इसकी लाइफ साइकिल इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती पेपर के अंदर। फिर भी हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिटेल से पता लगे, और माइन्यूट सा अगर 1 या 2 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको आसानी से हल कर। अब अगर हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, तो इसकी लाइफ साइकिल में कुछ एक स्टेजेस आती हैं, जैसे कि इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर के अंदर, ये एग लेइंग करता है, और एग लेइंग भी कहाँ पे करेगा, जो शुगर केन की लीफ है उनकी मिडरिप पर, लोअर सरफेस के ऊपर, और एग एक ग्रुप के अंदर होते हैं 60 to 70 नियर द मिडरिप एट लोअर सरफेस ऑफ शुगर केन लीफ। जैसे ही एग लेइंग होती है उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो एग है टर्न कर जाते हैं ब्लैक कलर के अंदर, ठीक है,
तो एग एक डैमेजिंग स्टेज नहीं है, एग एक डैमेजिंग स्टेज नहीं है वाइट फ्लाई की। अब डैमेजिंग स्टेज आएगी, देखो एग के बाद जो निम्फ है वो हैच्ड आउट होते हैं आफ्टर इंक्यूबेशन 8 to 10 days। 8 से 10 दिन के अंदर एक निम्फ बाहर आता है एग से 0.36 mm का, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 0.36 mm का लॉन्ग होता है और पेल येलो कलर का होता है। निम्फ क्या है, हैच आउट होता है तो निम्फ स्टार्ट कर देता है सेल के सैप को शक करना विद द हेल्प ऑफ इट्स पिशरिंग माउथ, मतलब तीखा सा माउथ होता है इसका, पिशरिंग माउथ से सेल सैप को क्या करता है, शक करना हेल्प कर देता है। और निम्फ आर ब्लैक कलर्ड, निम्फ कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। 4 insectars होते हैं इसके अंदर 25 से 30 दिन के अंदर, मतलब एक मंथ के अंदर 4 molting बोल सकते हो आप, वो होती हैं इसके अंदर। और धीरे धीरे जो इसका ब्लैक कलर है ना वो ग्रे में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर फ्रॉम द ब्लैक, और धीरे धीरे फिर ब्लैक कलर किस में चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने जनरल अपीयरेंस के अंदर देखा ना, पेल येलो के अंदर चेंज हो जाएगा। ऐसा ही इसके अंदर देखो प्यूपा, निम्फ अंडरगो प्यूपा स्टेज, इट लास्ट फॉर 8 to 10 days। प्यूपा स्टेज 8 से 10 दिन के लिए रहती है, फिर ये अडल्ट के अंदर चला जाता है, अडल्ट इमर्ज आउट फ्रॉम द प्यूपा एंड 2 days इट्स लाइफ स्पान, जो कि हम जर्नल अपीयरेंस के अंदर पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से डैमेज कोज करते हैं और किस तरीके से डैमेज कोज होता है। हमने इसकी डैमेजिंग स्टेज देखी लाइफ साइकिल के अंदर, डैमेजिंग स्टेज के अंदर हमने देखा कि जो इसकी डैमेजिंग स्टेज है वो निम्फ है। निम्फ क्या करता है, मेन डैमेज टू शुगर केन इज कोज्ड बाय निम्फ। निम्फ क्या करता है, सेल सैप को शक करने का काम करता है, सेल सैप ऑफ द लीफ। और इससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो येलो कलर का दिखने लगता है और जो लीफ है वो अनओपन्ड रह जाते हैं, मतलब खुलते ही नहीं लीफ प्लांट के, वो प्लांट डेड हो जाता है। या फिर उसके अंदर क्या होता है, जो शुगर है उसका लेवल डिक्रीज कर जाएगा, जैगरी फॉर्म नहीं होगी। और मैक्सिमम डैमेज होता है इन जुलाई टू नवंबर तक। अब इस डैमेज कोज को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे कंट्रोल के अंदर। ये देखो आगे कंट्रोल स्टेप आ गया हमारा। अब कंट्रोल से रेटून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड। रेटून क्रॉप वो होती हैं जिनको हम प्रीवियस वेस्ट से ग्रो करते हैं, उसको हम रेटून क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आई है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके भी आप उसको देख सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ शुगर कैन शुड बी ग्रोन, ऐसी वेराइटी ग्रो करो जिसके अंदर ये पैदा ही ना हो। इन्फेस्टेड लीव्स शुड बी प्लक्ड एंड डिस्ट्रॉयड, जो खराब लीफ है उनको प्लक करके बाहर ले आओ और उनको डिस्ट्रॉय कर दो, जला दो। हार्वेस्टिंग शुड बी कम्प्लीटेड बिफोर नेक्स्ट प्लांटेशन इन द एडजेसेंट फील्ड, आसपास की फील्ड में अगर नेक्स्ट प्लांटेशन हो रही है उससे पहले इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। इसके अलावा केमिकल मेथड के अंदर देखो, 2 chemical method दे रखे हैं 5 and 6 point पर। पहला है 0.2% BHC, 1% 0.1% मेलाथियन या 0.12% एंड्रीन शुड बी सेपरेट, इसके अंदर स्प्रे कर देनी चाहिए, या तो BHC या मेलाथियन या फिर एंड्रियन। इसके अलावा फोलियोडोल इन रेशियो ऑफ 3 ml 1 gallon के हिसाब से वाटर शुड बी स्प्रेड, वाटर के अंदर मिक्स करके 3 ml 1 gallon वाटर के अंदर मिक्स करके इसको स्प्रे करना चाहिए, तब जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर हमने इसकी वेरियस चीज़ें पढ़ी, थोड़ा सा लास्ट के अंदर हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। अगर हम इसकी लाइफ स्टेजेस को देखें, लाइफ स्टेजेस के अंदर सबसे पहले एग के बारे में बताया जाता है कि जो एग है वो 7 to 60 to 70 लगभग बंचेस में, ठीक है, और लोअर मिडरिब सरफेस के ऊपर ये एग लेइंग करता है शुगर केन के ऊपर। एग लेइंग के बाद जो इसकी 8 या 10 दिन के अंदर हैचिंग के बाद 8 या 10 दिन के अंदर निम्फ स्टेज आ जाती है। और जो निम्फ स्टेज है वो कैसी स्टेज है, निम्फ स्टेज के बारे में हमने पढ़ा, ये एक डिस्ट्रॉइंग स्टेज है जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, डिफेक्टिंग स्टेज। इसके बाद लगभग ये निम्फ स्टेज रहती है इसकी 1 महीना 28 से 30 दिन के लिए, फिर लगभग 28 से 30 दिन के बाद 28 to 30 days के आफ्टर ये क्या होता है,
ये चेंज हो जाता है प्यूपा के अंदर। अब जो प्यूपा स्टेज है वो लगभग 8 से 10 दिन तक रहती है फर्दर, और प्यूपा से वापस क्या बन जाता है, अडल्ट बन जाता है। इसके दौरान क्या क्या होता है, यहाँ पे 4 मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग होती है। यहाँ जैसे ही एग दिए जाते हैं एग का कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है इसका ब्लैक कलर धीरे धीरे ग्रीनिश कलर के अंदर चेंज हो जाता है, और जैसे ही ये प्यूपा आता है इसका कलर होता है पेल येलो, ठीक है, पेल येलो कलर होता है इसका, ग्रीनिश कलर आ जाता है, और यहाँ तक आते आते इसका कलर वापस अडल्ट का कैसा हो जाता है, पेल येलो कलर हो जाता है। और अडल्ट जो फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल अडल्ट कैसी होती है, हैवियर होती है देन मेल, और एग लेइंग करती है लोअर सरफेस के ऊपर। ये फीमेल अडल्ट है जो आपको दिखाई गई है, इसकी जो आईज हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, ठीक है, और शरीर थोड़ा सा जो हम बॉडी को बॉडी की अगर बात करें फीमेल की हैवी होती है देन मेल से, और ये फ्लाइट मतलब पोजिशन के अंदर है तो इसका डायग्राम बनाया गया है। इसकी अगर लाइफ स्पान की मैं बात करूं तो लाइफ स्पान लगभग 2 डेज का होता है, और 2 डेज के अंदर लाइफ स्पान ख़त्म हो जाता है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।